नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनवीर प्रजापति, आपका हमारे चैनल में डीपी द राइटर चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आपने जो है कई कई बार देखा होगा कि जिंदगी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिंदगी से जो है नाराज हो जाते हैं एकदम, मतलब कि वो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो लोग वहीं से जो है अपना जो अहम बनाए रहते हैं, मतलब कि जो उद्देश्य रहता है उनके जिंदगी का, वो उसी दिन से जो है उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि डिमोटिवेट हो जाते हैं एकदम, पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनका जो है कोई मतलब जिंदगी में रह नहीं जाता, मतलब कि वो जो है जैसे किसी, मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि वो पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, ठीक, पुलिस बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो उनका एक जो है नीच रहता है कि वो उनका जो है एक कॉन्टेंट रहता है कि हम जो है मतलब कि पुलिस बनेंगे, पुलिस अफसर बनेंगे। लेकिन उनके जो है बीच में यानी उनके लाइफ में कुछ जो है ऐसे बाधाएं आ जाती हैं, बाधाएं आ जाने के कारण वो जो है उसी जगह पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। यानी समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ऐसी आपको बात बोल देंगे जिससे आप जो है खुद मतलब कि डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका जिंदगी से कोई मतलब वास्ता नहीं रह जाएगा, ऐसा कुछ आपको जो है सामने कुछ वर्ड बोल देंगे। लेकिन आपको जो है ऐसा करना नहीं है, आपको सभी को नहीं देखना है, आपको अपने लक्ष्य के देखना है। यानी अपने जो है लक्ष्य को आप देखेंगे तो जान लीजिए आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही मेरे साथ भी हुआ है, ये जान लीजिए। तो आप जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अगर जिंदगी में कोई भी हासिल करना है किसी भी चीज को, आपको जो है अपने एम को बनाए रखना है, आपको अपनी जिंदगी को मतलब कि जैसे मान लीजिए टारगेट कर लीजिए आप जो है आपको कोई पुलिस अफसर बनना है, तो ये समझ लीजिए आपको पुलिस अफसर बनना है। आपको कोई भी चीज जान लीजिए जिंदगी में मतलब कि दुनिया को कोई भी चीज आपको देखना नहीं है, किसी की बात नहीं सुनना है, लोग चाहे जो कहे। हाँ, एक चीज आप ये ध्यान दे लीजिए, लोग आपको चाहे जो भी कहे लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं देना है, आपको उनको ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको उनको सुनना नहीं। अगर आप सुन रहे हैं इस कान से तो इस कान से जो है आप उन्हें निकाल दीजिए, जितने भी वर्ड कहे हों, अगर उनका जो है कुछ वर्ड ऐसे हों जिनको आप रखना चाहते हैं अपने माइंड में तो आप रखिए, और बाकी अदर वर्ड को जो है आप उन्हें निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप उनके वर्ड को रखेंगे तो ये जान लीजिए डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका जिंदगी उसी दिन से खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जो है हमेशा ऐसा काम कीजिए जिससे आप मोटिवेट रहें, हमेशा डिमोटिवेट न रहें। आज का बस यही वीडियो में बताने वाला था आपसे कि आप जो है हमेशा डिमोटिवेट मत रहिए, आप जो है मोटिवेट रहिए अपने कुछ जिस पे मतलब कि जिस पे जो है आप हमेशा मतलब कि चाहते हैं कि ये चीज मुझे बनना है, ये चीज मेरे को मतलब कि यहाँ तक जाना है, हमें समाज में बैठना है, उसके बाद जो है हमें ये चीज बनना है, हमें जो है अपने प्रति दूसरे को लोग को जागरूक करना है, उसके बाद जो है हमें सम्मान मिलना चाहिए समाज में, उसके बाद जो है मेरा नाम आगे बढ़ता चले जाए। तो आपको जो है अगर ऐसा करना है तो आपको ये जान लीजिए आपको किसी की बात नहीं सुनना है, अपनी दिल की बात सुनना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ते चला जाना है। यही जिंदगी का रूल है, यही मेरे रूल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो है किसी का नहीं सुनना है, सुनिए सबका लेकिन करिए अपने मन का, ये चीज जान लीजिए, सुनिए सबका लेकिन करिए अपने मन का। अगर आप ऐसा करेंगे जिंदगी में आपको उस हासिल तक मतलब कि उस मतलब कि ऊंचाई तक आपको पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपको हमेशा जो है मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं रहना है। आज की वीडियो में यही चीज बताने वाला था कि आप जो है हमेशा मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट मत रहिए, क्योंकि जो है डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग आपको जो है मिलेंगे, लेकिन आपको जो है ऐसा नहीं करना है, आपको जो है उनकी बात को नहीं सुनना है, आपको हमेशा अपने दिल की बात सुनना है, जो कहे वही कीजिए। अगर आपको जो है कुछ हासिल करना है तो आप सबको मत सुनिए, अगर आपका सबको सुनेंगे मतलब सब चीज को सबकी बातों सुनेंगे तो जान लीजिए आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, यानी जो है आपका कुछ जिंदगी से ताल्लुक नहीं रह जाएगा। क्योंकि लोग तरह तरह की बात करते हैं आपको जो है डिमोटिवेट करने के लिए, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो, इसलिए जो है आप हमेशा मोटिवेट रहिए। बस आज का वीडियो इसीलिए बना रहा था मैं कि जो है आप हमेशा जो है मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट मत रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।